हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं खिंडसी तालाब, जो नागपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे है। हम खिंडसी तालाब तो जा ही रहे, साथ ही वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने वाले हैं बोटिंग का। मैं तो फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ बोटिंग। और रेन डांस है वहाँ पे, गार्डन्स है, खाने के लिए भी जगह है वहाँ। तो रामटेक से दर्शन लेके अब हम जा रहे हैं खिंडसी लेक के लिए। और खिंडसी लेक जो है नागपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ है मेरा दोस्त सन्मेश और सिस्टर सोनल। अभी पहुंच गए हम खिंडसी तालाब पे, तो देखिए इसका व्यू। तो दोस्तों, हम अभी रोड पे खड़े हैं और यहाँ से जो खिंडसी लेक का व्यू दिख रहा है ना, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सामने ही आपको लोग बोटिंग का आनंद लेते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ आपको दूर दूर तक तालाब का पानी फैला हुआ दिख रहा है। बहुत ही बड़ा लेक है और उसमें हम बोटिंग की राइड भी करने वाले हैं। अगर आप घूमने का वन डे प्लान बना रहे हैं तो खिंडसी लेक जरूर आए। खिंडसी लेक के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हमें बोटिंग के लिए जाना है तो इधर जाने का है, इधर बोर्ड भी लगाया हुआ है। आप जो गाड़ियाँ देख रहे हैं वो अभी बोटिंग के लिए निकल रही है। तो दोस्तों, यहाँ आपको एंट्री के लिए 30 रुपये पर पर्सन टिकट है। सनमेश टिकट निकाल रहा है, तब तक मैं यहाँ का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आप जो है सीढ़ी देख रहे हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक है। पूरी सीधी लगती है और यहाँ से उतरने के लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन जब चढ़ते हैं ना हम ऊपर, तो बहुत ही थकान महसूस होता है। पिछली बार आया था तब हम यहाँ से आए थे, लेकिन इस बार हम गाड़ी लेके नीचे तक आ गए, क्योंकि पिछली बार हमको रास्ता मालूम नहीं था। ये जो गाने का हल्का सा आवाज आ रहा है ना, वो रेंडास का है। आगे जाके वो भी देखने वाले हैं। वह चलने के लिए जो है इधर एक लकड़ी दी है, उस पर चलने का है। वो हिल रहे, देखो उसके आगे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर चल रहे हैं। ये तो पूरा खाली पड़ा है। इधर ऊपर भी आप देख रहे होंगे क्या क्या है, ये छोटे बच्चों के लिए। यहाँ से आप देख रहे हैं छोटे बच्चे कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर जाके भी बैठे हैं कोई लोग। यहाँ झूला झूलते रहे दिखाई दे रहे हैं आपको, और उसके ऊपर एक होटल भी दिख रहे होंगे। लोग आनंद ले रहे हैं, वहाँ से क्या क्या दिखता है नजारा भी अच्छा है। यहाँ बोर्ड पे आपको बोटिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग बोटिंग के टाइप और उनके रेट्स भी दिए हैं, साथ में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं जो हमें फॉलो करना है। यहाँ सामने ही आपको राजकमल बोटिंग सेंटर और रेस्टोरेंट के कूपन मिल जाते हैं। सनमेश टिकट लेने के लिए गया है, तब तक मैं आपको यहाँ की एक खासियत दिखाता हूँ। यहाँ लोग घर का खाना लेकर आ सकते हैं और यहाँ बैठने की भी व्यवस्था की गई है। सामने ही आपको लोग यहाँ खाना खाने का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप कभी आते हो तो यहाँ खाना लेकर जरूर आए और एक अलग सा एक्सपीरियंस एंजॉय करें। तो हम निकल रहे हैं बोटिंग के लिए। कुछ भी दिया है बोटिंग के लिए जाते समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नीचे साइड में बच्चे खेल रहे हैं।
बोटिंग से आते समय हम वहाँ पर भी जाने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए बोटिंग पॉइंट पे और यहाँ से आप देख सकते हो तालाब और उसमें और आजू बाजू एंजॉय करते हुए लोग। अब हम जैकेट पहन के जाएंगे और पीछे देख रहे हो कि सभी लोग खड़े हुए हैं, तो हमने लाइफ जैकेट ले लिया है। हमारी टीम बोटिंग के लिए रेडी है, तो चलो देखेंगे अब कैसा क्या होता है और एंजॉय भी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। यहाँ से ऊपर का नजारा कितना अच्छा लग रहा है, देखो। यहाँ आपको हरी झाड़ियाँ और साथ में पहाड़ भी दिखाई दे रही है जो बिल्कुल तालाब के नजदीक है, और यहाँ का सीन भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली हमको एंट्री मिली है, हमारी टीम राइड के लिए भी रेडी है। आज हमने टिकट निकाली है मटरपुर का, तो हमारे साथ राइड का जरूर एंजॉय कीजिए। सामने से जो बोट आ रही है उसी बोट से अब हम जाने वाले हैं बोटिंग के लिए। आई एम सो एक्साइटेड, अभी हम जा रहे हैं।
कसं वाटलं? कशामुळे? पाण्याची भीती वाटते. पाण्याची भीती वाटते, पाणी का डर लग रहा है? इसलिए नहीं बैठती थी. हम मोटर बोट की राइड एंजॉय करके अभी जा रहे हैं रेन डांस के लिए, जहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है. और आप देख ही सकते हो रेन डांस के बाजू में यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है और बच्चों को यह जगह बहुत पसंद आती है. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah.